गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी में हिस्ट्री को टॉपिक जो था हम लोगों का, उसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस समय के लोग रहा करते थे, उनका जीवन यापन किस तरीके से था सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का। तो ईंटें मनके और अस्थियाँ हम लोगों का टॉपिक है पहला, और पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंतर्गत ही हम लोग एक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, मुहरे लिपि और बाट किस तरीके की उस समय के लोगों के पास थी। तो हम एक यहाँ पर बात करने वाले हैं कि मुहरे लिपि और बाट सिंधु सभ्यता के लोगों के पास किस तरीके की थी, है ना। और वहाँ पर देखेंगे आप लोग कि मुहरे हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि उस समय के लोग जो है किस तरीके की लिपि इत्यादि का प्रयोग करते थे, कौन से लोग जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो मुहरों और मुद्राकणों का प्रयोग लंबे दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। जैसे आप कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, इसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरों में दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ गई। और यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण रहा हो तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है, यह मान लिया जाता था। मुद्रांकन के लिए प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रहस्यमय लिपि, उस समय की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, है ना। वहाँ का लिपि जो था, दार्शनिकों ने, सॉरी, जो इतिहासकार जो थे, हड़पाई मुहरों पर एक पंक्ति में लिखा हुआ था कि संभवतः माली के नाम व पदवी को दर्शाता है कि विद्वानों ने शुरुआत भी किया कि इस पर चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। तो मतलब यहाँ पर कहा जाए कि जो यहाँ की चित्र वहाँ की लिपि था हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की, वह भाव चित्रात्मक था, भाव को समझा जाता था। अगर कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है तो यह माना जाता है कुत्ता बिल्ली की शिकार करते थी उस समय। तो इसलिए आप अधिकांश अभिलेखीय संक्षिप्त हैं, लेकिन सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है क्योंकि वह वर्णमालीय, जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी ऐसा, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है और चिन्ह से ही लोग समझते थे। और यह लिपि जो थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। किधर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मुहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिसे पता लगता है कि उत्कीर्णन ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर कम स्थान पड़ गया। इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव को लोग समझा करते थे, समझ गए। और इस तरीके से उनका रहन सहन तरीके, साक्षरता उनकी क्या थी, साक्षरता उनमें थी या नहीं, इन सब बातों की भी चर्चा की जा सकती है। अब देखिए बाट उस समय क्या था, बाट मेजरमेंट के सिस्टम, तो विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किससे? चर्ट नामक पत्थर से लोग जो है ये बाट बनाने का काम किया करते थे, और किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी होते थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तैयार करने के लिए किया जाता था, और धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय बड़े बड़े चीज़ों को भी जो है सो नापने तोलने इत्यादि में इसका प्रयोग किया करते थे। प्राचीन सत्ता कैसी थी उस समय की? तो हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। जैसे हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता हो को ही लें, जैसा कि मृदभांडों, मुहरों, बाटों और ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ईंटें, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियाँ विशेष स्थान पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। ईंट बनाने और विशाल दीवारों, चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया जाता था, लेकिन ये सब क्रियाकलाप को संगठित करता कौन था, कैसे होते थे, ये सब बात भी एक समझने लायक है। प्रसाद और शासक, देखिए सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई
त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। दरअसल ये कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो से मिले कुछ अवशेष से पता चलता है कि इस समय की जो शासन व्यवस्था थी वह गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। कैसी था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, मतलब जो हेड होता था देश का, समाज का, राज्य का, प्रांत का, उस देश को, प्रांत को, राज्य को क्या कहते थे? गणतंत्र कहते थे। लेकिन जिस देश में सर्वोच्च व्यक्ति का चुनाव नहीं होता था लोगों के द्वारा, उसे गणतंत्र आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह मोहनजोदड़ो से कुछ अवशेष ऐसे मिले मोहनजोदड़ो स्थल से, जैसे पता चलता है कि यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएँ प्रचलन में थी। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास वहाँ के पुरोहित राजाओं के से परिचित थे। यही समस्याएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसे कि हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानीय प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं और न ही उसे जानने के साधन उपलब्ध हैं। क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी या उनके पास नहीं होती थी? तो मतलब इतिहासकार का मत है कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे और सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। और दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं बल्कि शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अनेक अलग अलग राजा होते थे। और यह तर्क दिया जाता है कि एक ही राजा, एक ही राज्य था, जैसा कि पुरातत्वों में समानताओं को नियोजित बस्तियों को साक्ष्य, ईंटों के आकार के अनुपात, बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत होने के लिए सबसे प्रचलित प्रमाण माना जाता है कि ऐसे तो अनेक कारण माने जाते हैं। पहला माना जाता है भाई, जो सर्वमान्य है, कि बाढ़ के कारण हुआ, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ये सब स्थान विकसित थे और पहले वर्षा होती थी, बाढ़ आया और ये सभ्यताएँ नष्ट हो गई, बह गई उसमें। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये वैदिक सभ्यता के बाद आर्य लोग आए भारत में, तो आर्य लोग जब आए तो आर्य लोग ही हमला कर दिए इस सभ्यता पर और हमला करके इसके तहस नहस कर दिए अपनी कब्जा को बनाए रखने के लिए और वैदिक सभ्यता की स्थापना किए थे वैदिक काल का आर्य लोग। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उस समय लोग जो है सो महामारी, हैजा इत्यादि बीमारी फैलती थी, फैल गया हो और समाप्त हो गया हो समाज उस समय का, ये भी माना जाता है। हाँ, तो अनेक अलग अलग कारण कहे जा सकते हैं कि भाई मरने के, समाप्त होने के क्या क्या कारण थे। लेकिन अधिकांश लोग, विद्वान जो मानते हैं, पुरातत्वविद जो मानते हैं, वे मानते हैं बाढ़ को ही मानते हैं। ऐसा लगता है कि इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी और इस तरह से सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का हम ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उस समय के लोग जो थे वे एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व, संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। और इसके लिए जो कारण बताया गया वह बाढ़ वगैरह को ही बताया गया। और उसमें बाढ़ में अनेक सारी चीज़ें ऐसी थीं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखती थीं और वो दूसरे जगह खो गईं, चली गईं और बाढ़ वगैरह में लोग नष्ट हो गए। बहुत सारी चीज़ें जो अवशेष थे वे बिखर गए और वही अवशेष आज पुरातत्वविदों को मिलते हैं और उससे वे जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन काल कैसा था, वे किस तरीके से रहा करते थे, उनकी सोच क्या थी, उनके रहन, उनके भोजन पान के क्या तरीके थे, वे क्या चीज़ों का भोजन करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी वे लेते हैं। सब हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में देखें तो सबसे पहले तो हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के बारे में चार्ल्स मेलेसन ने जानकारी दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स मेलेसन ने जानकारी सबसे पहले दिया हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के बारे में। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए और सहस्त्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया। तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। कनिंघम महोदय का भ्रम था जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए। तब पुरातात्विक अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य और अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जो प्रारंभ होती है उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी।
क्योंकि उस समय कुछ लिखित साक्ष्य मिल रहे थे, लेकिन इस समय तो कुछ लिखित साक्ष्य था ही नहीं, बस चित्रकारी था, चिन्ह थे। इन्हीं से मतलब कि पुरातत्वविदों को व्याख्या करना होता था उन चीज़ों का। हड़प्पा जैसे पुरास्थल को चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिल भी जाती थीं, इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुँचते भी थीं, और फिर भी वह समझ नहीं पाए कि पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डेटिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश तो किया जाता है कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसे जानकारी प्राप्त कर लिया जाए, लेकिन पूरा होने नहीं पाता है साथियों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए हैं। एक नवीन प्राचीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, और यह सभ्यता अन्य पुरातात्विक राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मुहरों के समान मुहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली और अनुमान लगाया कि दोनों पुरास्थल एक ही पुरास्थल संस्कृति के भाग थे, और दोनों में क्योंकि हड़प्पा की खोज 1921 में होता है और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में होता है खुदाई। 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जो थे वो जॉन मार्शल बन गए थे। कौन बन गए थे? जॉन मार्शल बन गए थे, और वे पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। और उन्होंने एस एन राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरावशेषों पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मुहरों जैसे पर तब तक पहचानी न जा सकी मुहरें मिली थीं। मतलब कुछ मुहरें दोनों जगह पे समकालीन थे, दोनों सभ्यताएं समकालीन थी, दोनों जगहों पर व्यापार भी होता था और आपस में लोग व्यापार करते थे और अवशेष कुछ मिले हुए थे, लोग लेन देन आपस में तो कर ही रहे होंगे, इसलिए वहाँ की मुद्रा यहाँ, यहाँ की मुद्रा वहाँ चला भी जाता होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मार्शल पुरातत्वस्थल के विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले के समान प्रणाली वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे, और इसका अर्थ होता है कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विषय से प्राप्त सभी वस्तुओं को सामूहिक रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। और यह बहुमूल्य जानकारियां खैर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि यह आद्य ऐतिहासिक काल है, इस समय के इतिहास के लिए पूरा लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जो अवशेष मिलते हैं उन्हीं पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। और नई तकनीकें और प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने IEM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एकमात्र क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया उन्होंने, और इस तरीके से वे इस तरह से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियाँ प्रकाश में आई थीं। पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए थे। इसलिए हम कहते हैं कि कालीबंगन, लोथर, राखी गढ़ी और हाल में हुई धौलावीरा की खोज, वहाँ हुए अन्वेषण और उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा हैं। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं, कई जगहों पर नए नए उत्खनन किए जाते हैं इतिहासकारों के द्वारा, और यह देखा जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो था एक ही देशों की राजधानियां थीं ये दोनों, और इसीलिए वहां का जो समाज था वह इसी तरह से जीवन यापन अपना कर रहा था। तो इसलिए हम सबको भी यह देखना चाहिए कि समाज में परिवर्तन कैसे होते हैं, और यह परिवर्तन कितने नए कि, और ये परिवर्तन कितने जो है साकार माने जाते हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हड़प्पा लिपि से इन प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती हम लोगों को, बल्कि भौतिक साक्ष्य हैं जो हड़प्पा जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक जरूर होते हैं। जैसे यहाँ पर मृदभांड मिला, औजार मिला, आभूषण मिला, घरेलू सामान हो सकती थी, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे इत्यादि अनेक पदार्थ ऐसी थी जो विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएँ बच जाती थीं वे हैं पत्थर, पक्की मिट्टी या धातु के। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थीं।
अन्यथा वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रीय की जाती थी, उन्हें दोबारा बनाया भी जाता था, दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी वहाँ पर। लेकिन आज के समय में कोई भी अगर धातु खराब होता है तो उसका दोबारा पुनर्निर्माण कर लिया जाता है। तो खोजों का वर्गीकरण कैसे हुआ? तो इस तरह से पुरावस्तुओं को पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत था कि प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, दांती, दांत आदि से संबंध होता था। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता था। उपयोगिता के आधार पर विभिन्न वस्तुओं को कैटेगराइज वर्गीकृत किया गया था और कुछ पदार्थों के आधार पर जो उन्हें उपयोग में लाई जाने वाले के आधार पर चीज़ों का वर्गीकरण किया गया था और किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मन के चक्कियाँ, पत्थर और फलक तथा मात्र इससे स्पष्ट उदाहरण हैं इसके। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है और वे हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस समय के जो चीज़ें थीं, जो लोग थे, वे पूरी जानकारी देने में असफल हो गए थे क्योंकि इस समय के पूरा साक्ष्य हम लोगों को मिलने नहीं पाता है। ये सब मूर्तियाँ दिखे मिली हैं, यह एक मातृदेवी की प्रतिमा है ना, मातृदेवी की प्रतिमा। तो इसलिए यह समझा जाता है कि उस समय हड़प्पा सभ्यता जो था मातृसत्तात्मक था, क्योंकि स्त्रियों को समाज में अच्छा सम्मान दिया जाता होगा। और व्याख्या की समस्याएं, जब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती थीं तो धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों के सामने आती थीं। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ विषय को, वस्तुओं को असामान्य और अपरिचित लगती थीं, वे संभवतः धार्मिक महत्व की होती थीं। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियाँ, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल हैं। इन्हें मातृदेवियों की श्रद्धा दी गई है और दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियाँ हैं और मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखा हुआ दिखाया गया है, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुहरों, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी किया गया है। और पेड़ पौधे के आधार पर कुछ उन्हें जो देवी देवता जो थे, जैसे पालथी मारकर योगी मुद्रा में बैठा हुआ एक मूर्ति मिला है जिसे आदि शिव कहा गया है और हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से एक है ना, जिसे प्रजापति कहा गया है। क्या कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता में उसे प्रजापति कहा गया है, लेकिन बाद में वही प्रजापति क्या बन जाते हैं? तो आदि शिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आदि शिव बन जाते हैं बच्चों। इस तरीके से हम देखें कि आदि शिव मुहरों को देखते हैं, सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद है और ऋग्वेद में रुद्र नाम का एक देवता का उल्लेख है, जो बाद की ही की पौराणिक कथाओं में शिव के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि वे पशुपति नाम से प्रसिद्ध ऋग्वेद में न तो पशुपति और न ही योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्द में बोलें तो चित्रण ऋग्वेद के लिए में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता और उस समय मतलब यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे अलग तरह के जो है उस समय की मूर्तियों का प्रयोग करते थे। मूर्तियों का तो वे प्रयोग करते थे, मूर्ति के बारे में उन्हें जानकारी भी प्राप्त थी, लेकिन मूर्तियों के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त थी लेकिन कई तरह की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन मंदिर बना करके वे नहीं मतलब मूर्तियों को मंदिर में नहीं रखते थे। मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल से माना जाता है। कब से? गुप्त काल से माना जाता है बच्चों। तो आज आपने अपने हिस्ट्री के 12th क्लास की हिस्ट्री के पहले चैप्टर को समाप्त किया साथियों। अब इसके आप क्वेश्चन को भी लिखिएगा, क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी और पुख्ता हो सके। तो हम सब अब अगले क्लास में मिलेंगे साथियों। नमस्कार।